नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय सिख संगत के भाजपा नेता हनी सोबती जी। आइए इनसे बात करते हैं। जिस प्रकार से पांचों राज्यों में जो चुनाव चल रहे हैं, इनको लेकर के हम लोग आज एक चर्चा करते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं हनी सोबती जी। हनी सोबती जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। हनी जी, आपसे ये जानना चाहूंगा मैं सबसे पहले, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में चुनाव हुए, छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए और अभी कल राजस्थान में चुनाव थे, क्या लग रहा है, क्या वास्तविक मुद्दों को लेकर के जो राजनीतिक दल हैं वो इस बार चुनाव में लड़ रहे हैं और किस प्रकार की लहर आप देखते हैं? तो लहर तो पूरे भाजपा की है। भाजपा वापस मध्य प्रदेश में वापस सरकार बनाएगी। हमारी कई योजनाएं हैं, लाडली योजना कई है जी। वो उससे लोगों को बेनिफिट मिला है और उसे थ्रू हम रिपीट करेंगे। जहां तक आपकी बात, बाकी राज्यों में छत्तीसगढ़, राजस्थान, वहां पे भी हमारी सरकार बन रही है। हमारे जो मोदी साहब के जो भी कार्य में जो भी प्रगति हुई है, जैसे हाईवे बने हैं और आप मेडिसन्स आपको मुफ्त दी जा रही है, डिस्काउंट पे 80% डिस्काउंट दी जा रही है, ये सारे मुद्दे हैं जो लोग देख रहे हैं। और ये जो जुमले कर रहे हैं आपके कांग्रेस वाले, 500 का सिलेंडर देंगे, ये देंगे, 200 रुपए का देंगे, वो एक लोगों को पता है कि 70 साल में आते तो दिए नहीं, अब बांटने शुरू हैं इलेक्शन से पहले। तो ये सारा एक रेवड़िया बांटने वाला काम है। ये रेवड़िया बांट रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। ये देश की तरक्की को रोकने के लिए सब कुछ प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप एक चीज देखिए, जिस प्रकार से महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार इन प्रदेशों में बढ़ा है और कहीं ना कहीं आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में वोट का परसेंटेज भी बढ़ा है और छत्तीसगढ़ में भी वोट का परसेंटेज कहीं ना कहीं बढ़ा है। राजस्थान में भी अगर हम कल बात कर लेते हैं तो करीबन 68% 68% के आसपास वोटिंग हुई है। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं क्या रुझान पलट भी सकते हैं क्या इन वोटिंग परसेंटेज को देखते हुए? देखो, वोटिंग परसेंटेज अगर हो बढ़ रही है वो अच्छा है, लोग जागरूक हो रहे हैं और वो वोट डालना चाह रहे हैं और एक स्थिर सरकार को बनाना चाह रहे हैं। आप अगर हमें 2014 में देखो, पहले हमारे 290 के करीब मिली थी, उसके बाद दूसरे 2019 में हम 330 के पार हो गए, तो उसमें भी वोटिंग परसेंटेज ज्यादा ही हुई थी। तो मोदी साहब का जो काम है वो दिखता है, लोग आके घर करके करते हैं कि वो चाह रहे हैं कि यही भाजपा ही कंटिन्यू करे और कांग्रेस को सूपड़ा साफ कर देंगे। ठीक है, मेरे साथ एक मित्र और जुड़े हुए हैं, मैं आपको होल्ड करता हूं और उनसे, राजनीतिक पत्रकार हैं वो भी एक ग्राउंड पे, मैं उनको भी लाइन पे लेता हूं, ले लेंगे। ठीक है, तो हनी जी आपसे एक चीज और जानना चाह रहा हूं, तेलंगाना में जैसे अभी चुनाव होने वाले हैं आगामी, आपको क्या लग रहा है? बीआरएस की वहां पे सरकार है, बीआरएस वहां काम कर रही है और एक चीज आपने देखा होगा, वो एक ऐसी सरकार है जो शायद किसी से लोन कर्ज ज्यादा नहीं लेती है। क्या लगता है आपको, वहां पर भी क्या भाजपा का पलड़ा भारी है या फिर वहां पर कांग्रेस अपना गठबंधन में वहां सरकार बना रही है, क्या लगता है आपको? वहां पे भाजपा की ही सरकार बनेगी, आप देखना। हमने वहां पे बहुत काम किया है और हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो बूथ बूथ पे, गली गली पे, पन्ना बन्नू गए हैं। तो हमें पूरा यकीन है कि इस बार ही वहां पे बीआरएस की जो करप्ट सरकार है वो हटेगी और ये जो फैमिली का बिजनेस चल रहा है, प्राइवेट लिमिटेड का, ये खत्म होगा और भाजपा की सरकार बनेगी। लेकिन वहां पर देखते हैं तो बीआरएस एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है और काफी समय से वहां पर जनता के मुद्दों को लेकर के उसने कार्य भी किया है, विकास भी किया है और आपने देखा होगा एक आईटी इंडस्ट्री हब है और उनको अच्छा टैक्स कलेक्शन होता है और वे किसी भी प्रकार का कोई कर्ज वर्ल्ड बैंक से, एडीबी वगैरह से नहीं लेते हैं। क्या लगता है आपको कि ऐसे में भाजपा का वहां पर काम करना कितना इम्पोर्टेंट लगता है या फिर वहां पे नकार दिया जाएगा लोगों के द्वारा? देखो, आप अभी आप देखो जितनी भी इंडस्ट्री लग रही है, ये जो इंडस्ट्री लग रही है ये भारत का जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है उसके थ्रू लग रही है वहाँ पे इंडस्ट्री। और जहाँ पे ये बात चल रही है कि करप्शन तो हद से ज्यादा हो गया है, वहाँ पे जितने भी बिजनेसमैन हैं उनको तंग किया जा रहा है, उनसे वसूली की जाती है, ये ऐसा मुझे पता लगा है सूत्रों के थ्रू। तो आप ये देखो, वहाँ पे करप्शन लेवल बहुत बढ़ गया है। वहाँ पे जो सड़कें हैं, आप शहर को तो छोड़ दो पर आप रूरल बेल्ट में जाओगे तो सड़कें नहीं है। वहाँ ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जो आपको दिखता है आईटी वर्ल्ड है, बहुत बड़ा चीज है, ठीक है, बट वो कुछ एरिया में है, अर्बन में है। अब रूरल में चले जाओ तो कुछ भी नहीं है। किसान जो है, वहाँ के किसान खुश नहीं है, किसान
एमएसपी पे जो वादा किया था इन्होंने, उस रेट पे तो खरीद ही नहीं हो रही, खरीद ही नहीं रही। तो आप कैसे कह सकते हो कि वो है भाजपा आएगी और वहां पे सरकार पूरे बहुमत से सरकार बनाएगी और इस करप्ट सरकार को हटाएगी? एक चीज और हनी जी आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में लगातार आरोप लगाए गए थे ऐप के ऊपर कि ऐप का लेन देन हुआ, और उस प्रकार से लगातार एक वरिष्ठ नेता कांग्रेसी नेताओं के ऊपर भी आरोप लगाए गए, लेकिन आज पता चला है, मीडिया रिपोर्ट्स आई है कि उस व्यक्ति ने एक चिट्ठी लिखी है ईडी को कि उनके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा जो धन है वो ऊपर ना ही भेजा गया है और ना ही पहुंचाया गया। तो आपको लगता नहीं है कि किसी कुछ कुछ मामलों में भाजपा जल्दबाजी कर देती है? आपको लगता है कि आरोप लगाने में, नहीं इसमें आरोप लगाना नहीं है तो ये तो ईडी का है, ईडी की जांच हो रही है, इसमें तो खुले ईडी मन से का आपने कोई। देखा होगा, खुले मन से वरिष्ठ जो नेता थे उन्होंने सीधे आरोप लगाए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर की चंदा और ये बाकी सब चीजों के ऊपर, लेकिन आज जब देखते हैं तो उसने चिट्ठी लिख करके वहां पे गुहार की है कि मैं किसी भी कांग्रेसी नेता से ना मिला हूं और ना मैंने किसी से संपर्क किया है, ये सब गलत है। तो आपको क्या ये तो लगता जांच, देखो ये जांच का विषय है, क्या पता उसको जबरदस्ती करवाया हो, जबरदस्ती उसको लिखवाया हो, ऐसा भी हो सकता है। ये तो जांच का विषय है, मैं इस पर टिप्पणी ठीक? करना करूंगा ओके ओके जी नहीं, क्योंकि ये सीबीआई का है, ये जांच होगी, सबको दूध का दूध पानी का पानी। ठीक है ठीक। हमारे साथ मौजूद है विवेक सराठे जी, जो नरसिंहपुर से एक पत्रकार है हमारे, और विवेक हमारे साथ मौजूद है हनी सोबती जी, जो दिल्ली से भाजपा नेता है, राष्ट्रीय सिख संगत में भी पदाधिकारी हैं। विवेक आप बताइए, जिस प्रकार से वहां पर चुनाव मध्य प्रदेश में अब संपन्न हुए हैं और कहीं ना देखिए कहीं वहां से केंद्र के राजनीतिक जो बड़े बड़े सांसद थे प्रहलाद पटेल और अन्य लोग भी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, क्या समीकरण लग रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? चुनाव जब संपन्न हो चुके हैं, अब मतगणना 3 तारीख को होने वाली है। सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर गोटेगांव विधानसभा 118 में क्या है कि त्रिकोणीय मुकाबला रहा है। क्या है, कांग्रेस पार्टी ने पहले तो शेखर चौधरी को टिकट दिया था और उसके बाद उनसे टिकट वापस ले लिया, उसके बाद फिर से एनपी को टिकट दिया है, जिसके चलते लोग मतलब जनता का जो है मतलब रुझान कुछ और ही नजर आ रहा है। सर, इस बार कुछ कहा नहीं जा सकता कि मतलब क्या हो सकता है, हो सकता है कि फिर से यहाँ पर मतलब निर्दलीय प्रत्याशी हो जाए, या फिर सर ऐसा भी हो सकता है कि सर जैसे मान लो इनको चांस मिल जाए फिर से एनपी को। सर क्या है कि इसमें पब्लिक पब्लिक जो है वो उनका मतलब बैकग्राउंड देख के ही मतलब वो करेगी इस बार। यहाँ पर सर त्रिकोणी मुकाबला है कहने का तात्पर्य सर। ओके। तो विवेक मैं आपसे एक चीज और ये जानना चाहता हूँ, जिस प्रकार से केंद्रीय मंत्री आपके प्रहलाद पटेल वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और आपके जो जिला है और बहुत से बड़े बड़े नेता वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है भाजपा ने इस प्रकार के नेताओं को वहां से क्यों उतारा है? सर देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार मोदी जी की कुछ अलग रणनीति बनाई गई है और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इस बार कुछ अलग से करके चाह रहे हैं, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि मतलब वो पूरे मतलब देश में सिर्फ बीजेपी सरकार को देखना चाह रहे हैं। बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को, नामी ग्रामी हस्तियों को मतलब मैदान में उतारा है। आप देखिए, यहाँ पर जो व्यक्ति केंद्र में थे है ना, जिन्होंने मतलब अपने कार्यकाल में बहुत से कार्य भी किए होंगे, लेकिन उन्हें आखिर क्या कारण है कि मतलब उन्हें यहाँ पर गोटेगांव विधानसभा में विधायक को मतलब विधायक का चुनाव लड़ने के लिए उन्हें उतारा गया? तो सर मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं बीजेपी अपना मतलब गढ़ बनाना चाह रही है मध्य प्रदेश में। सोपटी जी देखिए, कि विषय निकल कर आया है कि केंद्रीय नेताओं को यहाँ पे मध्य प्रदेश में उतारा गया और बहुत से बड़े बड़े, आपको क्या लगता है, ये छोटा चुनाव एक तरह से माना जाता है लेकिन इस प्रकार से लोगों जो केंद्रीय सांसद है उनको भेजा गया, आपको क्या लगता है इसका, कि आप किस दृष्टिकोण से इसको देखते हैं? देखिए, आप ये हमारे भाजपा में कोई बड़ा नेता नहीं, कोई छोटा नेता नहीं है, ना कोई पोस्ट है, आप कहीं वो सांसद है, मंत्री है, हमारे लिए सारे बराबर हैं। हमें मिलके इस लड़ाई नहीं, को लड़ना है। इसमें और इसमें क्या रणनीति का हिस्सा हो सकता है, आपको क्या लगता है रणनीति क्या बनाई हुई? देखो रणनीति नहीं है अगर इसमें, उतारना वो होता है, तो एक उतारते, दो उतारते, लेकिन आपने देखा होगा 6 6 7 7 सांसद आ रहे हैं, तो मैं कुछ वही रणनीति आपको बता रहा हूँ होगी। कि हम यहाँ पे मिलजुल के सरकार बनाने जा रहे हैं, और ये जो नेताओं को हमने जो खड़ा किया, ये आज के ये जन के नेता हैं। अगर लोगों की डिमांड आ रही है वहां से, हम इनको देखना चाह रहे हैं, तो हमें क्या दिक्कत है, हम उनको
अगर इसके दूसरे पहलू में चले जाएं और अगर समझ लीजिए वो नेता हार जाते तो फिर उस केस में क्या होगा? हाँ देखो, सर आप अगर सर हार सर जाते सर हैं हर सर कहीं मैं ऐसी छोटी है कि सी कोई कह नहीं सकता, हर बंदा आ रहा है, इंदिरा गांधी भी हारी, ऐसा नहीं है कि इंदिरा सर मैं छोटी गांधी सी सर मैं छोटी सी बात रखना चाह रहा हूँ उसको। सर इसमें मुझे ये लग रहा है कि बीजेपी की बहुत बड़ी इसमें रणनीति है, मैं बस वही पे आ रहा हूँ सर। क्या है कि मतलब शिवराज मोदी को इस बार ऐसा लग रहा है कि हमें सिर्फ मतलब जो मतलब ओल्ड एज जो ओल्ड एज नेता है उन्हें मतलब बीजेपी सरकार से वो सीधा निकालना चाह रहे हैं, इसलिए उन्होंने इनको मतलब मैदान में उतारा है कि आप अगर यहाँ पर अपना मतलब इनको क्या है प्रहलाद पटेल को स्टार प्रचारक प्रसार मंत्री को बनाया गया है स्टार प्रचार प्रसारक, तो इन्हें मतलब खुद की विधानसभा भी दी है नरसिंहपुर, और उसके साथ साथ मतलब इन्हें और भी अन्य विधाओं का पदभार दिया गया है जिसमें कि इन्हें कहा गया है कि आपको आपके आपकी सीट निकाल ली है, प्लस आपको आपके मतलब कार्य में जो भी वो आ रहे हैं सीटें उन सीटों को आपको निकालना है। लेकिन अगर ये नहीं निकाल पाते हैं तो इन्हें सीधा पार्टी से मुझे ऐसा लगा निष्कर्षित कर दिया जाएगा, इनकी ओके। राजनीति कुल लेकिन मिला के इसमें खत्म कर दी इसमें जाएगी। और जी लेकिन विवेक जी, इसमें एक प्रश्न यह आ जाता है जो मैं सोपती जी से पूछूंगा कि जैसे आपने बोला वरिष्ठ, तो वरिष्ठ तो इसमें नरेंद्र सिंह तोमर जी भी हैं, अन्य लोग भी हैं, और वो भी सब वरिष्ठ की श्रेणी में आते हैं, तो उन लोगों को भी उतारना ये कहाँ की रणनीति होगी, ये समझ में नहीं आया। देखो, ये मैं वही आपको बता रहा हूँ, रणनीति नहीं, ये वहां की जनता की आवाज है, तो जनता की आवाज पे बोला गया तो हमने बोला कि हमारे लिए कोई सच्चा नहीं, कोई कुछ नहीं, हमारे लिए जनता केवल की आवाज सेवा है, तो सोपती जी सेवा लोकसभा सेवा का के लिए सांसद आए भी हैं। होता है। नहीं, जनता की आवाज तो सोपती जी लोकसभा का सांसद भी होता है, वह क्वेश्चन अपना जब जनता, लोकसभा से मैं वही लड़ता तो है। कह रहा हूँ, अगर जनता ने उनको बोला है आप हमारे एमएलए बने, तो हम तैयार हैं वहां पे, हमारे लीडर्स जनता तैयार ने हैं, क्यों बोला है? अभी नहीं, किसी ने जनता ने मना तो कोई किया ऐसा कि आप सर्वे, यहाँ जनता के द्वारा तो कोई ऐसा सर्वे ना कराया गया, ऐसा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप ये देखो, जो हमारे सर्वे आ रहे हैं उसमें तो हमारी मोहम्मद की सरकार आ रही है, और इससे ज्यादा हम 150 पार करेंगे, नहीं आप वो देखना तो इसमें। नहीं, ये आपका एक अजम्पशन है, लेकिन आप ये बताइए कि जिस प्रकार से तो इसके इसके लिए तो किसी जनता ने सर्वे वहां पे कोई किया नहीं गया था, तो अचानक ही लिस्ट आई और जिसमें देखा होगा आपने दिग्गजों को उतारा है वहां। देखो, हम हर पार्टी इंटरनल सर्वे करती है, हमने भी इंटरनल सर्वे किया, और हमें पता लगा कि कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि जनता चाह रही है कि हमारे नेताजी सारे जितने भी हैं वो आके वहां पे बैठे और काम करें, हमें तो कोई मतलब नहीं कि कोई बड़ा है या छोटा है, सांसद है, मंत्री, जो काम पर काम करना है, चाहे वो पार्लियामेंट में करें चाहे वो विधानसभा में करें, वो विधानसभा में अगर लोग चाह रहे हैं तो हाँ क्यों नहीं, विधानसभा में काम करेंगे, काम ही करने के लिए आए हैं, जन सेवा करने के लिए, हम एसी की कुर्सियों पे तो बैठने नहीं, ना हवाई जहाज की यात्रा करने के लिए बैठे हैं, जो हमारे नेता हैं वो सारे ग्राउंड वर्कर है, जहाँ पे उनको जनता चाहे कि वहां लड़ेंगे, उन्होंने स्वीकार किया, जनता का आशीर्वाद मिला, उन्होंने स्वीकार स्वीकार किया और बोला कि हम लड़ेंगे और आपकी सेवा करेंगे, इसमें क्या होगी? विवेक जी आपसे प्रश्न है मेरा, विवेक जी मेरी आवाज आ रही है आपको? अनम्यूट करिए। जी सर, मैं ये जानना चाहता हूं जिस प्रकार से रणनीति अभी करी गई है और जो बंपर वोटिंग हुई है मध्य प्रदेश में, क्या लगता है जी कि किस तरफ रुझान ज्यादा जाने की उम्मीद लगाई जा रही है? पहला प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न ये है कि अगर समझ लीजिए ये जो दिग्गज हैं अगर ये चुनाव हारते हैं तो अब अगली रणनीति भाजपा की क्या हो सकती है आपके क्षेत्र में? सर देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि अभी यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है और ज्यादा रुझान क्या है, जो महिला लाडली बहना महिला जो है इन्होंने जो योजना चलाई है बीजेपी ने, तो इसका इफेक्ट कुछ ज्यादा पड़ा है। तो सर मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन कुछ ज्यादा रुझान इसमें बीजेपी की तरफ से है, ये पार्टी लेवल की तरफ से। एक और अगर हम व्यक्ति विशेष पर जाए तो ये मतलब यहाँ पर शेखर चौधरी का ज्यादा प्रभाव है सर, क्योंकि सर उसके जमीनी स्तर से लोगों से संबंध है और मतलब उसने हर व्यक्तियों के सुख दुख में साथ दिया है। तो सर यहाँ पर अगर हम पार्टी लेवल से देखें तो यहाँ पर बीजेपी का सपोर्ट ज्यादा रहेगा, और अगर हम व्यक्ति विशेष पर जाए तो इसमें शेखर चौधरी का ज्यादा वो रहेगा सर। और सर मैं इस बात को एक बात आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर मान लीजिए दिग्गज नेता है जैसे मान लो प्रहलाद पटेल अगर यहाँ नरसिंहपुर से हार गए तो इनका बीजेपी से पत्ता साफ कर देंगे वो, ऐसा मुझे लग रहा है बीजेपी की रणनीति है सर। सोपती जी, अब आपको क्या लगता है? देखिए, स्थानीय मुद्दों पे जब बात हो रही है तो बता रहे हैं कि अगर वो नहीं जीतते हैं तो बीजेपी उनको शायद बाहर का रास्ता दिखा देगी, आपको क्या लगता है? देखो, ऐसा आज तक कोई ऐसा है जिसे बाहर का रास्ता दिखाया गया, वो मार्गदर्शन करेंगे हमारा, तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो तो जनता की सेवा करने के लिए बैठे, अगर हमें कुर्सी को इतने ही प्यार करना होता तो वो करते, इलेक्शन ही नहीं लड़ते, मना करते, तो तो ये तो है, ऐसा ये कुछ तो देखिए इसीलिए देखिए आप कांग्रेस अपनी बातों में फंस गए। चार विजय वर्गीय जी ने खुद कहा कि मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना था, मैं कहा उनका वीडियो आया वायरल हुए जिसमें उन्होंने बोला कि हम तो इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते थे लेकिन मुझे भेजा गया इलेक्शन लड़ने के लिए।
वीडियो आता है, आपने शायद देखा मैं वही होगा। तो बता रहा हूँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो इलेक्शन में देखो, अब जनता की आवाज है, हमने जो सर्वे किया, हमने उनको पता लगा तो हमने उनको बताया कि भाई ये करना है, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया ना। तो ऐसा लेकिन थोड़ी कि उन्होंने मना कर दिया उन्होंने कि तो नहीं करना। सार्वजनिक मंच से बोला कि अब हम कहाँ पे जाके वोट लेंगे, और हम अब मैं तो बड़ा स्तर का नेता बन गया हूँ। उन्होंने ऐसा वीडियो वायरल हुआ था, आपने शायद देखा भी होगा। नहीं भाई, मैं कह रहा हूँ देखो, वीडियो कई वायरल होते हैं, वीडियो की ना पुष्टि आप कर सकते हैं ना हम पुष्टि कर सकते हैं, ये तो लेकिन प्रचार है। सार्वजनिक इलेक्शन मंच से में आपको उन्होंने पता ही है ये कांग्रेस संबोधन, कैसे सार्वजनिक कैसे करती है मंच से ये संबोधन दिया था उन्होंने। ना। मैं आपकी बात मानता हूँ, पर ये वीडियो कब का है ये किसी को नहीं पता। अभी कही है, ये चुनाव के तो दौरान का है, चुनाव के स्टार्टिंग का ही है। या आपने तो स्टार्टिंग आप का किया सवालों से तो बचना चाह रहे हैं इसलिए आप उसको घुमा रहे हैं। नहीं, मैं तो सिर्फ इसकी आप पुष्टि करता हूँ कि ये पुष्टि हुई है कि पुष्टि क्या, वो आपने तो किया कि कंफर्म पुष्टि हुआ है, नहीं। और कई मीडिया रिपोर्ट्स में, मीडिया चैनल्स में भी चला ऐसा है, नहीं है वो उन्होंने पुष्टि, स्पष्ट रूप से। देखो मैं आपको बाद में उनका बताऊं, दूसरा वीडियो भी आया कि उन्होंने बोला कि मेरा ऐसा कहना नहीं था, लेकिन आवेश में मैंने शायद ऐसी बात करी है, उन्होंने ऐसा बोला है, दूसरा मैं वीडियो वही आया तो कह रहा हूँ आपको। अब जी। जब सर उन्होंने आवेश, ये भी कहा था कि मैं लड़ने के लिए भी तैयार हूँ जी। बाद में वो जी तो जी मैं कह सर रहा हूँ, बिल्कुल सर उन्होंने मना थोड़ी किया कि मैं नहीं लड़ रहा। कई वीडियो में कहाँ जी। बताया है, बोला गया नहीं कि मैं लड़ना नहीं नहीं, लड़ रहा। उन्होंने ये बोला था कि मैं, मेरी इच्छा नहीं थी, लेकिन पार्टी ने जो देखो इच्छा, सामान्य देखो तय देखो किया अब उसके अनुसार मैं उस पार्टी का सेवक हूं, तो इसलिए वो काम करने जा रहा हूं, उन्होंने मैं वही ऐसा। तो कह रहा हूँ। मैं तो उन्होंने स्वीकार किया ना, पार्टी पहले है यहाँ पे, इंडिविजुअल नहीं, ये राहुल गांधी, ये गांधी परिवार नहीं है जहाँ पे एक ही परिवार, यहाँ पे संगठन, संगठन जो जैसा आदेश देगा वो वैसा सबको एक्सेप्ट करेंगे। अब हर बंदा, तोमर साहब हो गए या प्रहलाद जी हो गए, सारे सब विजय सब सबने एक्सेप्ट किया और किया चुनाव, मिलजुल के लड़े। ऐसा नहीं है कि उनको निकाल दिया जाएगा, या अगर ऐसा ही सोचना होता तो चुनाव लड़े ही ना बंदा, चलिए ये ठीक तो है, एक घुस अंतिम से। सवाल, एक अंतिम सवाल रहेगा। बाकी एग्जिट पोल तो जो है वो 30 तारीख की शाम को जारी होंगे, हम फिर उस समय ज्वाइन करेंगे आप सब लोगों को। जी क्या लगता है सोपती जी सर, कि जो 5 राज्यों में चुनाव संपन्न होंगे तीस तारीख को, तो क्या लगता है कि इन 5 राज्यों में किसकी ज्यादा बढ़त दिखने की संभावनाएं दिखाई जा रही है? देखो हमारे सर्वे के हिसाब से हम 5-6 जगह फिर आएंगे वापस। मध्य प्रदेश में हमारी सरकार है, राजस्थान में हम रिटर्न कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी रिटर्न कर रहे हैं, और मिजोरम में भी हम रिटर्न कर रहे हैं, और तेलंगाना में हमारी इस बार बहुत पूर्ण बहुमत की सरकार है। तो ऐसा मान लिया जाए कि सभी जगह पे भाजपा आ जाएगी, 5ों जगह। चलिए बिल्कुल, आप मेरे से मिठाई का डब्बा तैयार रखिए, मैं आपके 30 तारीख स्टूडियो को आऊंगा। एग्जिट पोल के अनुसार आपसे चर्चा होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।